मधुकांत पटनायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। पटनायक साहब, पाठक जी, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस रहा, ओवरऑल कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है और अभी तक का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हालांकि हम लोग कुछ इवेंट में मेडल से चूक गए जिसमें ज्यादा आशा थी हम लोगों को, चार पांच मेडल ऐसा लगा बिल्कुल लास्ट मोमेंट। तो ये ओलंपिक में ऐसा होता है, जो प्रेशर होता है वो प्रेशर पूरे दूसरी टीम भी तो तैयार होकर के आती है, तो उस प्रेशर में जो प्रेशर को झेल लेते हैं वही ओलंपिक विजेता कहलाते हैं। पाठक साहब, फ्यूचर क्या देखते हैं? अब आने वाले दिनों में देखिएगा, एथलेटिक्स में कम से कम हम लोग एथलेटिक्स में ही 5 to 7 मेडल जीतेंगे 2024 में, क्योंकि जो जज्बा है, जो लोगों का जोश देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं मैदान पे उतरेगा। एथलेटिक्स ने एक तरह से बदल तो दिया है रूप रंग। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आपको समझना पड़ेगा कि एथलेटिक्स में 200 कंट्री खेलती है, दूसरे इवेंट में 12 या 14 16 कंट्री खेलते हैं, तो आप कंपटीशन बहुत टफ है और 125 साल के बाद ये रिजल्ट मिला है, लेकिन आने वाले दिन में बहुत शीघ्र ही अच्छा बदल मिलेगा। टीम लीडर के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो जैसे आप लोग यहाँ से सूरज को देखते हैं, मैं तो सूरज को 50 फीट के दूर से देख रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी नाम इस नीरज के साथ जुड़ा है, तो शायद मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो नीरज ने किया, पूरा हिंदुस्तान जिस तरह जुड़ गया, आपको लग रहा है खिलाड़ी से लेकर के और बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव चेंज होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों का सहयोग अगर मिलेगा तो कई नीरज मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्रिकेट के कारण पीछे हो जाते हैं, लेकिन आज नीरज ने जो कर दिखाया है, आप लोग सब लोग सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपकी आवश्यकता है नीरज के अचीवमेंट को पूरे राष्ट्र में फैलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई आपको। तो मधुकांत पाठक जी, आप सुन रहे थे, एथलेटिक के टीम लीडर हैं, इनके नेतृत्व में एथलेटिक की पूरी टीम गई थी, इनके नेतृत्व में गोल्ड आया है एथलेटिक में, और वो बता रहे हैं कि किस तरह का प्रदर्शन रहा है, भविष्य क्या होने वाला है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएचएन प्राइम, दिल्ली।